तो दोस्तों खिलाड़ी अक्षय कुमार दिखाई देंगे एसीएस राजामौली की मूवी में। जी हाँ दोस्तों, एसीएस राजामौली के एक बड़े प्रोजेक्ट का खुलासा हुआ है, जिसमें हमें अक्षय कुमार को डायरेक्ट करते दिख सकते हैं एसीएस राजामौली। जी हाँ, आपको बता दो दोस्तों, बाहुबली निर्देशक एसीएस राजामौली अपनी लार्जर देन लाइफ फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं। निर्देशक ने आज बाहुबली मक्की RRR ऐसी हर फिल्म से अपने निर्देशन का हुनर दर्शकों को दिखाकर इम्प्रेस किया है। दोस्तों एसीएस राजामौली कई दफा भारतीय पौराणिक कहानी महाभारत पर फिल्म बनाने को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। हालांकि अभी तक उनका ये ख्वाब हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया है। इंडियन सिनेमा दर्शकों का भी यही मानना है कि अगर महाभारत जैसी विशाल भारतीय पौराणिक कहानी के साथ अगर कोई न्याय कर सकता है तो वो एसीएस राजामौली ही है। इस बारे में खुद निर्देशक राजामौली ने हाल ही में एक बार फिर चुप्पी तोड़ी है। डायरेक्टर राजामौली ने हाल ही में इस बारे में बात करते हुए कहा, अगर मैं महाभारत बनाता हूँ तो मेरा पूरा एक साल महाभारत का वर्जन पढ़ने में जाएगा, जो भी अभी तक देश में उपलब्ध है। इस वक्त मैं सिर्फ इसे 10 भागों में बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। अपनी बात को जारी रखते हुए डायरेक्टर राजामौली ने कहा, हर फिल्म में जो बनाता हूँ मुझे लगता है कि मैं महाभारत बनाने के लिए कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, तो ये मेरा सपना है और मेरा हर कदम उसी दिशा में आगे बढ़ता है। महाभारत बनाने को लेकर अपनी बात पहले भी राजामौली कई बार कर चुके हैं। एक दफा निर्देशक ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि उनकी महाभारत एक अलग अंदाज की होगी, जिसमें महाभारत की कहानी तो सेम ही होगी मगर इसके किरदारों पर वो गंभीरता से काम करेंगे। इन सभी किरदारों पर काफी मेहनत होगी। निर्देशक ने कहा था, जो किरदार मैं महाभारत के लिए लिखूंगा वो जो अभी तक आपने पढ़े हैं या देखे हैं वैसे नहीं होंगे। मैं महाभारत को अपनी ही तरह से बनाऊंगा, जिसमें कहानी सेम होगी लेकिन किरदार काफी अलग और उनके रिश्ते एक दूसरे से बेहद जुदा होंगे। वही दोस्तों, महाभारत मूवी की कास्ट को लेकर अभी कुछ ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एसीएस राजामौली इस मूवी के लिए बॉलीवुड और साउथ के टॉप एक्टर्स को कास्ट करने वाले हैं ऐसी खबरें हैं। वही इस कास्ट में बॉलीवुड के अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार का नाम भी सामने आ रहा है। जी हाँ, इनसाइड अपडेट के अनुसार अक्षय कुमार राजामौली की इस मूवी में एक अहम किरदार निभा सकते हैं। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, महाभारत का कौन सा किरदार अक्षय कुमार पर फिट बैठेगा, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और ऐसे अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।